आज आप सबको बताएंगे कि पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ और घटाव कैसे बनाएं। चलिए आपको एक उदाहरण लेकर बताते हैं। आपको उदाहरण है 3 पूर्णांक 6/2 + 4 पूर्णांक 3/3 - 2 पूर्णांक 6/3। चलिए इसको क्या करेंगे, हम हल करते हैं। तो यहाँ बराबर चिन्ह दे देंगे। क्या करना है इसको, पहले हम क्या करना है, पूर्णांक तोड़ लेना है। तो पूर्णांक इसको तोड़ते तो क्या करते, पहले तो जितना पूर्णांक उसको और निचला वाला क्या करते हम गुना कर देते, ऊपर वाले को क्या करते हैं जोड़ कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 3 × 2 = 6, 6 = आपको हो गया 12, 12 बटे आपको यहाँ दे देना है 2, लेकिन यहाँ पर बटा में भी 2 है तो यहाँ पर भी क्या करना है 2 देना है। फिर यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे देंगे। फिर ये दोनों को क्या करना है, गुना कर देना, ऊपर वाले को क्या करना है जोड़ देना है। तो आपको 4 × 3 = 12, 12 × 3 आपको हो गया 15 बटा। फिर क्या करना है, यहाँ पर 3 दे देना है। यहाँ है माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह दे देंगे। फिर ये दोनों को गुना करना, ऊपर वाले को क्या करना है जोड़ देना है। तो 3 × 2 = 6, 6 × 6 आपको हो गया 12, 12 बटा आपको क्या करना है यहाँ पर 3 दे देना है। अब क्या करना है आपको, यह अंश यह क्या हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं हर कहते हैं। हर वाले को हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 2, 3, 3 का एलसीएम। तो यहाँ पर 200 तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 लगा देते हैं। यहाँ पर 1, 1 हो गया। तो आपको 3 × आपको 2 हो गया, तो 3 × 2 = 6 आपका एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ एक बड़ा वाला लाइन खींच देंगे और जितना एलसीएम है उसको नीचे हम लिख देते हैं। और इस 2 से इस 6 में क्या करना है भाग देना है, तो आपको हो जाएगा कितना, तो 3 × 6 = 3 हो गया। और 3 को ऊपर वाले से क्या करना है गुना कर दिया देंगे, तो 12 × 3 आपको हो गया 36। यहाँ प्लस चिन्ह तो प्लस चिन्ह दे देंगे। फिर इस 6 में 3 से भाग देंगे तो आपको 2 निकलेगा, और 2 को ऊपर वाले से क्या करना है गुना कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 2 = 30। यहाँ माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 से 6 में भाग देना तो आपको 3 × 2 = 6, 2 होगा भागफल, और भागफल जितना होगा उससे क्या करना है ऊपर वाले से गुना कर देना है। तो 12 × 2 यहाँ पर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर देखिए एक बार, फिर 12 वाले एक लाइन खींच देंगे, नीचे हम जितना लगो तो हम उतना लिख देंगे। यहाँ देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 24 माइनस वाला तो माइनस वाले को रहने देंगे। तो आपको हो जाएगा 36 और 30 आपको हो जाएगा कितना 66, यहाँ माइनस कितना है 24। अब क्या करना है, 66 में से 24 को घटाना है। तो अब 66 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 = 42 हो गया, 42 बटा आपको हो जाएगा 6 आपका ये आंसर निकल गया। यदि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।